में कांग्रेस मैदान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ देखिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के तरफ से आज संविधान रक्षक रैली निकाली गई है। ये रैली औरंगाबाद पश्चिम मतदार संघ में जो शिवशंकर कॉलोनी से लेकर हम मऊ नगर और तानाजी चौक और बौद्ध नगर में आज निकाली है। हमारा उद्देश्य यही है कि संविधान का जो रक्षण सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने अभी देखे होंगे कि लोकसभा के टाइम पे उनके कुछ नेते थे, कुछ खासदार लोगों ने जैसा हेगड़े थे, उन्होंने बोला था कि हम 400 अगर खासदार बनाते तो ये संविधान बदलेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी संविधान की किताब बता के शपथ ली है। जितने भी हमारे सबको उन्होंने अपील की है और हम आज के इस रैली के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जितने भी हमारे इंडिया आघाड़ी के जो घटक है इन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सबने आवाज़ उठाना चाहिए। लोकसभा में एक अच्छा प्रतिसाद महाराष्ट्र की जनता ने दिया है महाराष्ट्र आघाड़ी को, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा में भी मिलेगा ऐसा? 100% अभी जनता ही चाह रही है कि ना बदलाव। आपने देखे होंगे बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा है, विद्यार्थी है, ये सब है ना परेशान है। इसलिए महाराष्ट्र में 100% कांग्रेस आने वाली है। पश्चिम मतदार संघ में 4 बार से आमदार चुनकर आते हैं, हाँ, क्या विकास को लेकर कहेंगे? विकास हुआ है क्या? अभी आप तो हमारे से अच्छे से जानकारी आपको है कि आप विकास कहाँ देख रहे हैं। खोखे की सरकार है ये। इस बार नया चेहरा चाहेंगी जनता पश्चिम की? अभी वो जनता सोचेगी ना, नया 100% नया चेहरा जनता सोचेंगी ना। कि ये जो रैली है ये हमारे राष्ट्रीय समन्वयक जयप्रकाश नारनावरे ने हमारे अनुसूचित जाति के शहर अध्यक्ष प्रशांत शिंदे उन्हीं के साथ में सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिला अध्यक्ष दीपालिताई मिसाड़ है और सभी लोग यहाँ पर है। यूथ कांग्रेस के हमारा सुमेध नंदावरे जो पश्चिम विधान का अध्यक्ष है ये यहाँ पर मौजूद है। ये रैली संविधान बचाओ रैली है, संविधान रक्षक, मतलब भारत के अंदर संविधान है तो लोकशाही है और अगर लोकशाही है तो भारत की अखंडता और भारत के अंदर का जो प्रेम है वो बना रहेगा। क्योंकि पूरे विश्व में लोकशाही अगर सबसे ज़्यादा प्रचलित है तो भारत की लोकशाही है जिसको लिखा है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनकी सारी टीम ने। तो हम राहुल गांधी जी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से हर घर पर जा रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा इलेक्शन में किन मुद्दों को लेकर उतरना? देखिए कांग्रेस के पास में हमेशा से मुद्दे रहे हैं लोगों के हित के। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो जो कॉमन मैन की पुकार रहेगी वो कांग्रेस की पुकार रहेगी। जो जिस तरीके के डेवलपमेंट्स है, जो रोजगार है, देखो बेरोजगारी कितनी छाई हुई है लोगों में, भ्रष्टाचारी की वजह से कितनी तकलीफें हो रही है लोगों के पास में, आर्थिक संकटें निर्माण हो रही है, इन सबको रोकने का काम राहुल गांधी जी के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हमारे नेता महाराष्ट्र में सम्माननीय नानाजी पटोले, सिद्धार्थ जो हत्ती अंबिरे, हमारे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी लिलोटिया साहब, इन सब के आदेश से जयप्रकाश जी नारनावरे के साथ में हमने आज ये संविधान की रैली इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। सर ये कहने में दो राय नहीं होंगी कि आप जो है तो कांग्रेस ने अपना प्रचार विधानसभा के लिए शुरू कर दिया है? देखिए कांग्रेस सिर्फ विधानसभा या चुनाव के लिए नहीं लड़ता है,
70 सालों से कांग्रेस रोज काम कर रही है लोगों के हित के लिए। वो कुछ चुनावी पार्टी रहते होंगे जो सिर्फ चुनाव के समय काम करते हैं। आपने देखा है कि हम सत्ता में रहो सत्ता में मत रहो, हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर है और 24 घंटे हम लोग फील्ड पर है। जैसे दूसरे राज्यों में राहुल गांधी विजिट देते हैं बार बार, एक बार दो बार, महाराष्ट्र में उनकी विजिट बहुत कम देखी जाती है, तो इस बार जो है तो राहुल गांधी की विजिट होने वाली? ऐसा नहीं है, राहुल जी की विजिट महाराष्ट्र में भी बहुत बार हुई है। महाराष्ट्र में भी अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने जब देखा आपने कि भारत की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका समारोह ये महाराष्ट्र में किया गया, तो महाराष्ट्र का अपने आप में पूरे देश में बहुत बड़ा दर्जा है, महाराष्ट्र अपने आप में महाराष्ट्र है। ओके, थैंक यू।